बेशक इंसान मैं भी हूँ, मेरे पास भी दिल है। कितना मासूम, कितना सुंदर है ये बच्चा। कैसे इस बच्चे से दूर है इसका बाप। बहुत दुख होगा जब इसका बाप मेरी गोलियों का शिकार होगा। मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे पर इसके पिता का साया बना रहे। जमाना ठीक नहीं, अनाथों को नाथ नहीं मिल पाता। जब खूंखार जिदन गुड़िया और सनिचर उरांव जैसे उग्रवादी मारे गए तो सोचिए आपके बेटे सुखराम गुड़िया की क्या बिसात। सरकार उसके सिर पर 1 लाख का इनाम रखा है। 1 हफ्ता नहीं लगेगा उसे खोजकर मार गिराने में। उसे सरेंडर करने को कहें। आपको 1 सप्ताह का मौका दिया जाता है। दोबारा ये ना कहिएगा कि आपने मौका ही नहीं दिया। सरकार की सरेंडर पॉलिसी में वो जी खा लेगा। जंगल जंगल भटकने से बेहतर है कि परिवार के करीब रहे। 1 लाख के इनामी सुखराम गुड़िया के माता पिता और उसके भाई और पत्नी की मन बदलने की पूरी कोशिश की गई। कुछ हद तक तपकरा के थानेदार विक्रांत कुमार अपने मकसद में कामयाब भी रहे। मोस्ट वांटेड सुखराम का परिवार थानेदार को वादा देकर निकले कि वो सुखराम को सरेंडर करने के लिए मजबूर करेंगे। थाने में सुखराम के पिता दुगन गुड़िया, भाई दूता गुड़िया, माँ और पत्नी को बुलाया गया था। बातचीत होने तक वो सुखराम के बच्चे को गोद में खिलाते रहे। सुने क्या बोले थानेदार विक्रांत कुमार। थाना में लोग को बुलाया है कि इनका जो बेटा है 1 लाख का इनामी है पीले भाई का, वो सुखराम गुड़िया और फ्लोर है, उसको ही बोल रहे हैं कि समझाइए, लास्ट चांस है, सरेंडर करवाइए। ये सरकार का बहुत अच्छा योजना है, इसका फायदा उठाइए, तो ही हसर होगा जो आगे हुआ है। जिदन गुड़िया इलाका पहाड़ से नीचे, यही लास्ट वार्निंग लोग को बुला के समझाए हैं। ये कितना सुंदर बच्चा है, हरा भरा परिवार है, भटक गया है रास्ता से। हम लोग को काम यही है कि उसको मुख्य धारा पर लाए, और नहीं आएगा तो जो कानून बोलता है कम करेगा। परिवार वाला कहते हैं कोशिश करेंगे, कितना कोशिश करेंगे। मेरा आए हुए 6 महीना हो गया है, हम तो लगता है महीने में 2 बार वाले लोग घर पर चल ही जाते हैं, रिक्वेस्ट करते ही हैं। कोहराम लाइफ के लिए खूंटी से सीनियर जर्नलिस्ट अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।